नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल, और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति सनी स्पेशल। जी हां, 2020 में शनि का राशि परिवर्तन क्या करेगा, कुंभ राशि का हाल क्या, होंगे कुंभ राशि वाले मालामाल या हो जाएंगे कंगाल, या खास बताऊंगा आपको, बहुत खास, या साढ़े सती से होंगे परेशान, क्या होगा आपके साथ, आइए जानते हैं। लेकिन हम ये बातें जो कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, शनि महाराज, जी हाँ, आप ही की राशि का स्वामी शनि जो है वो परिवर्तन करने वाला है। 30 साल बाद शनि मकर राशि में आने वाले हैं, 30 साल बाद, और अपने आप में कितना बड़ा ग्रैंड इवेंट होगा ये आप सोच सकते हैं। और ये कब होने जा रहा है, ये होने जा रहा है शुक्रवार 24 जनवरी 2020 को। तब क्या होगा, मकर धनु राशि से शनि देव जो हैं धनु राशि से मकर राशि में आ जाएंगे, और ये कब आएंगे, दोपहर को 12:10 पर, दिन होगा शुक्रवार 24 जनवरी 2020। लेकिन शनि नक्षत्र परिवर्तन नहीं करेंगे, नक्षत्र वही रहेगा, और कौन सा रहेगा, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, और शनि चरण बदलेंगे नक्षत्र का, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के पहले चरण से दूसरे चरण में आ जाएंगे। साथ साथ में आपको ये भी बता देता हूँ कि शनि जब अस्त हो जाते हैं तो वो अच्छा प्रभाव नहीं देते और लगभग प्रभाव नहीं देते, तो शनिदेव 2020 के पहले दिन से ही 1 जनवरी 2020 को शाम को 6:24 पर अस्त हो जाएंगे और 32 दिनों के लिए अस्त रहेंगे, और शनि उदय होंगे रविवार 2 फरवरी 2020 को 6:09 तक। तो 32 दिन के लिए शनिदेव अस्त हो जाएंगे, और यह अस्त काल जो है ये ठीक ठाक सा पीरियड रहेगा। लेकिन शनि जब कभी भी वक्री हो जाते हैं, जब शनि जब कभी भी उल्टी चाल घूमने लगते हैं, तब सबसे ज़्यादा प्रभाव उनके दुनिया पे आते हैं। और ये प्रभाव कब से आने लग जाएंगे, शनि उल्टा कब घूमेंगे, शनि उल्टा घूमेंगे सोमवार 11 मई 2020 को 9:39 से लेके 142 दिन तक उल्टा घूमेंगे, लगभग 5 महीने तो सीधा चलेंगे, 5 महीने उल्टा घूमेंगे और फिर से मार्गीय हो जाएंगे। मार्गीय कब होंगे, मंगलवार 29 सितंबर 2020 को 10:40 पर, और 142 दिन के लिए शनिदेव जो है वो वक्रीय हो जाएंगे, और वक्र अवस्था में शनि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक स्थिति में ले आता है व्यक्ति को। तो सबसे खास बात, कुंभ राशि वालों, आपके लिए क्या होने जा रहा है, ऐसा क्या होने जा रहा है, ये आपको समझना होगा, आइए आपको बताते हैं। कुंभ राशि वालों, आपकी साढ़े सती लगने वाली है, जी हाँ, आपकी साढ़े साती लगने वाली है, और ये जो साढ़े साती लगने वाली है ये 7.5 साल तक आपको बहुत परेशान करने वाली है। जब कभी भी शनि 12वें भाव में, पहले भाव में और दूसरे भाव में होता है, इन जगहों से गोचर कर रहा होता है, तो उस 7.5 साल के पीरियड को साढ़े सती कहा जाता है। कुंभ राशि वालों, आपके जीवन में साढ़े सती शुरू होगी 24 जनवरी 2020 से, और 7.5 साल के लिए बड़ा परिवर्तन होगा आपके जीवन में, बड़ा। लेकिन शनि आप पर बहुत बुरा प्रभाव नहीं देता है, और एटलीस्ट 5 साल तक तो बुरा, बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं देता है, क्योंकि शनि आप ही का लॉर्ड है, तो शनि बुरा प्रभाव नहीं देता है। शनि आपके 12वें भाव में गोचर करेगा, और 12वें भाव से देखेगा आपका हाउस नंबर 2 धन का स्थान। यहाँ पर दिक्कत क्या आएगी, धन में दिक्कत आएगी, सुखों में दिक्कत आएगी। उसके बाद अपनी 7वीं दृष्टि से शनि 12वें भाव से 7वीं दृष्टि से 6ठे भाव को देखेगा, तो
शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान करना शुरू कर देंगे, बीमारियां आपको थोड़ी सी ज़्यादा सताएंगी, और साथ ब साथ के अंदर एक प्रॉब्लम और हो जाएगी, वो ये हो जाएगी कि वाद विवाद बढ़ जाएंगे, खर्चे अकस्मात बढ़ जाएंगे। बात करते हैं शनि की दसवीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ जाएगी तो क्या होगा, भाग्य मंदा पड़ जाएगा, किसी भी काम में भाग्य आपका साथ नहीं देगा, ये समझ लीजिए। तो अब आइए जानते हैं हेल्थ से लेकर वेल्थ से लेकर प्रॉपर्टी से लेकर पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ सभी कुछ कैसा रहेगा कुंभ राशि वालों आपके लिए। शुरुआत करते हैं आपके फर्स्ट हाउस से। शनि की ही राशि है कुंभ राशि और शनि आपके बारहवें भाव में आ रहा है तो पहला भाव पर शनि कोई बहुत ज़्यादा बुरा असर नहीं देता, इसलिए मुसीबतें तो होंगी लेकिन आपकी मानसिक स्थिरता बनी रहेगी, आप ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, मुसीबतों का डटकर सामना करेंगे और ये चीज़ आपको हिम्मत दिलाएगी, आप ब्राइट रहेंगे, पॉजिटिव बने रहेंगे चाहे कठिनाइयाँ कितनी भी हो और आप में एक पॉजिटिव समझ आएगी। बात करेंगे आपके दूसरे भाव के, सुख का भाव, धन का भाव, वैभव का भाव। प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है, शनि बारहवें भाव में होकर दूसरे भाव में तीसरी दृष्टि डालता है, सुखों में कमी आएगी, संचित धन में कमी आएगी और बड़ी प्रॉब्लम होगी, पैसा धीरे धीरे खर्च होता जाएगा और साथ ब साथ के अंदर सुखों को ज़्यादा भोगने की कोशिश में पैसा ज़ाया हो जाएगा। समझना होगा कि इस पीरियड में आपको संभल कर चलना है, पैसा आएगा बहुत कम जाएगा बहुत ज़्यादा, सुख एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से आप लेने की कोशिश करेंगे लेकिन बहुत सारी चीज़ों में पैसा बर्बाद होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा किन किन में होगा। बात करते हैं आपके तीसरे भाव के, आपके पराक्रम भाव की। शनि का मंगल से को बहुत अच्छा संबंध नहीं होता लेकिन शनि डरता है मंगल से, इसलिए तीसरा भाव जो है वो रेडिकल फ्री भाव है, इस भाव पर शनि अपना कोई दुष्प्रभाव नहीं डाल रहा है, इसीलिए पराक्रम आपका ठीक ठाक रहेगा, बदनामी नहीं होगी, बहुत सारी चीज़ें आपके इमेज से बहुत अच्छी हो जाएंगी, आपका प्रेजेंस ही आपका काम अच्छा कर देगा और आपके संबंध अपने छोटे भाई बहनों से बहुत अच्छे रहेंगे, आपका फेम भी अच्छा बढ़ जाएगा, आपके नाम का अच्छा इस्तेमाल होगा मार्केट में आपका। बात करते हैं आपके चौथे भाव की, माता का भाव, प्रॉपर्टी का भाव, फैमिली एटमॉस्फेयर का भाव और फैमिली सुख का भाव। यहाँ पर भी शनि कोई दृष्टि नहीं डाल रहा, इसलिए ये वाला भाव जो है वो शुक्र से संबंधित है, शुक्र और शनि आपस में सबसे परम मित्र हैं तो इसलिए फैमिली एटमॉस्फेयर आपका अच्छा रहेगा, फैमिली के अंदर माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, घर का माहौल अच्छा रहेगा, घर में जितने मेंबर्स हैं सबके बीच में प्यार होगा और आप बहुत खुश रहेंगे। प्रॉपर्टी के क्षेत्र में भी आपको फायदा होगा, पुरानी ली हुई प्रॉपर्टीज़ में आपको बहुत अच्छा फायदा होने वाला है, साथ ब साथ के अंदर अगर आप नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट भी करना चाहेंगे तो भी अच्छा समय रहेगा आपके लिए। बात करते हैं आपके पांचवें भाव की, प्रेम का भाव, एजुकेशन का भाव, रोमांस का भाव, सक्सेस इन एजुकेशन का भाव। पांचवें भाव में भी शनि कोई दृष्टि नहीं डाल रहा है, रेडिकल फ्री भाव है, बुध के साथ में बहुत अच्छे संबंध होते हैं शनि के, पांचवां भाव भी बहुत अच्छा एनर्जाइज्ड होगा, एजुकेशन में सक्सेस मिलेगी, एजुकेशन आपकी बेहतरीन रहेगी, साथ ब साथ के अंदर काफ़ी हद तक सिचुएशन आपके पक्ष में रहेगी, रोमांटिक लाइफ बहुत अच्छी बन जाएगी, एक्साइटमेंट हो जाएगी, इस साल संभावना ऐसी होती है कि कोई नया साथी आपको मिल सकता है, बहुत अच्छी पोजिशन रहेगी। जो बच्चे एग्जाम्स में अपीयर करना चाहते हैं उनके लिए सिर्फ एक ही मार्ग खुला हुआ है, कठिन परिश्रम और कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे, कठिन परिश्रम करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत आगे जाने को मिलेगा और सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं अब आपके प्रॉब्लमेटिक सेगमेंट की, भाव नंबर 6 कुंभ राशि वाला। ये भाव जो है ये संबंधित है चंद्रमा से संबंधित भाव और शनि अपने सातवीं दृष्टि से बारहवें भाव में बैठकर आपके छठे भाव को देखता है तो समस्या आएगी शत्रुओं से, इल हेल्थ की समस्या आएगी, वाद विवाद की समस्या आएगी और कोर्ट केसेस की समस्या आएगी और ये जो समस्या आ सकती है किसी न किसी प्रॉपर्टी के मैटर को लेकर आ सकती है और स्पेशली ये प्रॉब्लम संभावना ऐसी है
कि आपकी मदर साइड के रिलेटिव्स से ज़्यादा आ जाए, या ये प्रॉब्लम मनोविकार से संबंधित भी आ सकती है। कैसे आ सकती है कि आपके पुराने किसी प्रेमी से आपके संबंध अगर कटु हैं और आपने वाद विवाद की स्थिति जनरेट की, तो हो सकता है कि आपके अगेंस्ट में कुछ कार्रवाई के योग हैं। साथ ब साथ के अंदर आपको अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, और ये सेहत जो बिगड़ेगी डिप्रेशन के बिहाव पर बिगड़ेगी, क्योंकि ऐसी पूरी संभावनाएं बनती हैं कि शनि कहीं ना कहीं आपके मन को बिगाड़ेगा। छठे भाव में चौथी राशि यानी कि कर्क मर्जोरा जिसका स्वामी शनि है, और अपने ही स्थान से षडाष्टक संबंध बनते हैं, इसलिए समझना क्या होगा कि मनोविकार से आप पीड़ित हो सकते हैं। समझना ये भी होगा प्रॉपर्टी के मैटर्स को लेकर वाद विवाद हो सकता है, जिसकी वजह से केसेस हो सकते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ की वजह से केसेस हो सकते हैं। एक बात और समझनी होगी, बीमारियों के वजह कहीं ना कहीं पानी भी बनेगा, और पानी से आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, पोल्यूटेड वाटर पीने से बचना है, और किसी भी तरीके का ऐसा फलों का रस हो या जो चंद्रमा से संबंधित चीज़ें, उनको खास तौर पर आपको ध्यान देना है। अब बात करेंगे आपके सातवें भाव की, विवाह का भाव, दाम्पत्य का भाव, पार्टनरशिप का भाव और आपके पारिवारिक सुख का भाव। ये भाव, इस भाव में शनि से बिल्कुल अछूता भाव है, रेडिकल फ्री भाव है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर सूर्य की राशि है, बहुत अच्छे संबंध शनि से नहीं होते हैं सूर्य के, इसलिए दाम्पत्य जीवन स्थिर ही रहेगा, कोई बहुत बड़ा प्रभाव इस विषय पर नहीं आ रहा है। हालांकि पहले से ज़रूर सुधार होगा आपके दाम्पत्य संबंधों में, और साथ ब साथ के अंदर दाम्पत्य सुख भी अच्छा मिलेगा, आपका प्रेम रहेगा जीवन साथी से, सामंजस्य रहेगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी। साथ ब साथ के अंदर एक बात आपको समझनी होगी, ये बिजनेस पार्टनरशिप के लिए भी बहुत अच्छा और अहम भाव है, और हाल फिलहाल आने वाले 2.5 साल तक तो बिजनेस पार्टनरशिप में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात करते हैं आपके आठवें भाव की, भोग विलासिता का भाव, एंजॉयमेंट का भाव, आयु का भाव और सेक्सुअल रिलेशनशिप का भाव। एक बात आपको समझनी होगी, वो क्या कि आपका जो बेसिकली आठवां भाव है, ये बुध से संबंधित है, शनि इस पर कोई इफेक्ट नहीं दिखा रहा है, रेडिकल फ्री भाव है, जिसके कारण से भोगों में आपके सेक्सुअल लाइफ में बहुत अच्छी बढ़ोतरी होगी, भोग आपके अच्छे बढ़ेंगे, और जीवन में आप रोमांच की स्थिति प्राप्त करेंगे दाम्पत्य संबंधों में भी। साथ ब साथ के अंदर ये ऐसी स्थिति है जब आप कहीं ना कहीं जीवन साथी से ज़्यादा जुड़ाव महसूस करेंगे। अगर आप अविवाहित हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ में, जिसके साथ में भी आप डेट कर रहे हैं, उसके साथ में बहुत जुड़ाव महसूस करेंगे। लेकिन एक बात को आपको समझना है, आपको अपनी लॉयल्टी मेंटेन करनी है और इधर उधर बिल्कुल नहीं देखना है और अपना ध्यान नहीं भटकाना है। बात करेंगे आपके भाग्य भाव की, ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक पॉइंट होने वाला है, भाग्य दुर्भाग्य बन जाएगा आने वाले 2.5 साल तक। शनि अपनी 10वीं दृष्टि से आपके 9वें भाव को देखेगा और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक स्थिति होने वाली है। किसी भी काम में भाग्य आपका साथ नहीं देगा और दुर्भाग्य का परचम फहराएगा, इसलिए भाग्य के भरोसे बिल्कुल ना रहें, कर्मठ बनकर काम करें, और पितरों का आशीर्वाद भी आपको नहीं प्राप्त होगा आने वाले 2.5 साल तक। ये बड़े असमंजस का विषय है। बात करेंगे आपके प्रोफेशन की, आपके करियर की, आपकी ऑफिशियल लाइफ की, आपके फादर के हेल्थ की, और आपके एंटायरली 10th हाउस की, राज्य पक्ष का भाव। ये भाव मंगल से संबंधित भाव है, इस पर शनि अपना कोई प्रभाव ही नहीं दे रहे और मंगल से डरते हैं शनि। ये भाव बहुत एक्सीलेंट पोजिशन के अंदर है, सरकार में आपकी अच्छी पकड़ बनेगी, सरकारी अधिकारियों से, पुलिस वर्ग से आपकी बहुत अच्छी पकड़ बनेगी, पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। साथ ब साथ के अंदर ये वो समय है जब सत्ता संगठन से आप जुड़ पाएंगे, ऑफिस के अंदर आपके कार्य की प्रशंसा होगी, बॉस आपसे खुश रहेंगे, प्रमोशन होने के अच्छे योग बनते हैं, लेकिन वो संभावना जो बनती है सितंबर महीने से थोड़ा समय पहले, अगस्त से सितंबर के बीच में। अब बात ये भी जानते हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से पिताजी आपकी कुछ मदद करेंगे और बिजनेस में भी अच्छी स्थिति रह सकती है। बात करेंगे आपके 11वें भाव की, 11वां भाव जो है वो शनि के प्रभाव से अछूता है, लेकिन बृहस्पति का भाव है, तो इस बारे में आपको समझना होगा कि ये जो भाव है, यहाँ पर शनि बुरा प्रभाव नहीं देंगे, बहुत अच्छा प्रभाव देंगे, जिसके कारण से लाभ बढ़ेगा,
अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और वो भी पार्टनरशिप बेसिस पे बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत लाभ होगा, इंडिविजुअल बेसिस पे भी अच्छा लाभ होगा, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि वो डिसीजंस आप न लें, आप पार्टनरशिप में बिजनेस करें, वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। बड़े भाई बहनों से संबंध भी आपके ठीक ठाक बनेंगे और आपको लाभान्वित होने की स्थिति में आ जाएंगे। बात करते हैं आपके आखिरी भाव की, बारहवें भाव की, हानि का भाव, व्यय का भाव, प्लेजर का भाव। इस भाव में शनि आ रहे हैं तो ये भाव ब्राइट हो जाएगा, खर्चे आपके हद से ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ऐश्वर्य के अंदर पूरा मन लगेगा, हो सकता है आप किसी एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में भी आ जाएं, चोरी छुपे हुए, जो सामाजिक दृष्टिकोण से बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसी संभावना भी है कि आप अपने पार्टनर के रहते, आप अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के रहते चोरी छुपे शायद किसी और को डेट कर रहे हो और आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ एंजॉयमेंट के लेवल तक हो। समझना होगा ये चीज़ बहुत घातक हो सकती है और इसकी वजह से वाद विवाद की स्थिति भी जन्म ले सकती है। एक बात और आपको समझनी होगी, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये समय बिल्कुल ठीक नहीं है, बीमारियां बिल्कुल हो सकती हैं और ये बीमारियां जो मूलतः होंगी हड्डियों से संबंधित हो सकती हैं, क्योंकि ऐसी संभावना ज़रूर है कि आपसे कहीं ना कहीं, चाहे वो गाड़ी चलाते वक्त, चाहे किसी भी तरीके से, मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर हो सकती है, डिप्रेशन की समस्या आपके ऊपर आ सकती है, जिसके कारण से हॉस्पिटल्स के बिल बढ़ जाएंगे और ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक पॉइंट रहेगा। तो मित्रों, प्रोग्राम को कंक्लूड करने से पहले अब हम आपको बताएंगे एक स्पेशल वास्तु टिप कुंभ राशि के लिए। तो क्या करें आप बहुत एक छोटा सा काम करें, वो ये कि 12 नारियल आप काले कपड़े में बांध लीजिए, उस काले कपड़े की पोटली को अपने सर से स्पर्श कीजिए और उसे बहुत सीधा और सिंपल ये है कि आप जल प्रवाह कर दीजिए किसी भी शनिवार की शाम को। दूसरा सबसे बेहतरीन उपाय ये कि आप साबुत उड़द होता है, साबुत उड़द आप पक्षियों के लिए रखे खाने के लिए, निरंतरता से पूरे साल भर बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। तो मित्रों, अब आपसे मुलाकात होगी इसके अगले एपिसोड में, जहां हम आपको बताएंगे 2020 में शनि का राशि परिवर्तन क्या करेगा मीन राशि का। और अब अपने फ्रेंड, अपने सखा, अपने मित्र कमल नंदलाल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।